हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों कम्युनिकेशन क्लास सेकंड, इस क्लास में हम बात करने वाले 25 प्लस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्लास हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेकर 2023 तक आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं उस सभी क्वेश्चन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के देखने वाले हैं, यानी कि थ्योरी प्लस PYQ एक ही क्लास में हम वाले हैं। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में UGC नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोस हैं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई हैं। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, ICT के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग QA मिलेंगे। नंबर पाँच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने क्लास पे आते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन हमारा काफी तरह से हो सकता है। हम लिखित में कम्युनिकेशन करते हैं, एक 2 महीने का बच्चा है तो वो रो के कम्युनिकेशन करता है, उसे लैंग्वेज नहीं, तो काफी तरह का हमारा कम्युनिकेशन, तो वो सभी कम्युनिकेशन अभी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो शब्दों के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाए, बोल के कम्युनिकेशन है उसको वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन, जो लिखित में संचार हो उसको रिटन कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अशाब्दिक संचार होता है, बिना शब्दों के हम संचार करते हैं, जैसे इशारों से, भाव भंगिमा से संचार करते हैं, अपने शरीर की मुद्रा से संचार करते हैं। फिर मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक साथ हम हजारों लाखों लोगों तक इंफॉर्मेशन भेजने का काम करते हैं तो हम मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर अपना विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में जब हम किसी विजुअल्स को देख के, जैसे वीडियो है, किसी ग्राफ है, उसको देख के इंफॉर्मेशन लेते हो उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर अपना ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन में जब कई लोग आपस में मिल के एक दूसरे से बातचीत करें तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। और ग्रुप कम्युनिकेशन में ये होता है कि यहाँ पे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल दोनों तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी बंदे हैं हम उनको अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और एक होता है कि जैसे मान के चलिए एक तरफ है 200 लोग हैं, 200 लोगों के साथ तो हम अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास 15 लोग हैं तो 15 लोगों के साथ हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप है दोस्तों, और अभी हम इनसे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन मुख्य 6 प्रकार का माना गया है। लोगों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन कितने तरह का है, हमारा 6 तरह का है। नंबर एक पे है इंट्रापर्सनल, फिर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और फिर है ट्रांसपर्सनल, फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर मास कम्युनिकेशन, और फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है हमारे। देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों की संख्या के आधार पे
सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे व्यक्ति खुद से ही बात करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कई बार हम बैठ के सोचते हैं ना कि यार पिछली बार तो यूजीसी नेट जेआरएफ की कट ऑफ 50 गई, अब की बार 60, पता नहीं कितनी जाएगी 55। जब हम अपने आप से ही बातचीत करें तो उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इनको मैं जी। उसके बाद में हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, तीन चार लोग इसमें हो, बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा हमारा वो पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। जैसे मान के चलिए हम तीन लोग बैठे हुए हैं, तीन दोस्त बैठे हुए हैं और यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर चौथा व्यक्ति आ जाएगा तो वो वहाँ पे हम अपनी बात बंद कर देंगे। यहाँ पे कुछ सीक्रेट बात हो सकती है अपनी, यानी कि पर्सनली चीज़ों पे हम बात करते हैं, तो ये होता है हमारा इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि जब व्यक्ति अपने आप से बातचीत करे तो उसको हम क्या बोलेंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, आई एन टी आर ए। एक तो इंट्रा मिलेगा और एक मिलेगा इंटर, आई एन टी ई आर। ये देखिए एक होगा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होगा इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंटर इंट्रा के अंदर क्या है, ए आ रहा है हमारा, ए अल्फाबेटिकल रीजनिंग में कितने नंबर पे है, ये एक नंबर पे है, तो मतलब एक ही व्यक्ति इसमें बातचीत कर सकता है अपने आप से। अब हम आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में ई आ गया, यहाँ पे ई के अंदर कितने हैं, पांच अक्षर पे, पांच नंबर पे आता है ई हमारा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पांच लोग हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग होंगे और पांच तक इसमें हो सकते हैं। तो पांच लोग आपस में बैठ के पर्सनल बात करें, सीक्रेट बात करें, तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंटरेक्शन विद इन ए पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन। इसमें जब हम अध्यात्म की बात करें, जब हम ध्यान मगन हो जाए और हम अपने आत्माओं पूर्वजों से बातचीत करने का अनुभव करें। कई लोग होते हैं ना ऐसे बोलते कि मैंने तो मेरे दादा से बात की थी रात को, मेरे सपने में वो आए थे और मैंने तो महसूस किया, ये किया, मैं तो भगवान से बात करता हूँ, ये हूँ। तो जब इंसान अनुभव करने लगे कि वो किसी सुपरनेचुरल पावर से बातचीत कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। और जब हम योग के अंदर ध्यान मगन होते हैं और हमें ऐसा अनुभव होता कि हमने भगवान से बातचीत की है, तो वहाँ पे हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ध्यान मगन में बैठा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पे लोगों की संख्या सीमित होती है और यहाँ पे जो लोगों की संख्या इतनी सीमित होती है कि हम सभी को एक दूसरे से बातचीत कर सके, अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे को देख सके, आई कॉन्टैक्ट मिला सके, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। अब जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगर हमारे ग्रुप के अंदर 200 लोग हैं, एक तो है 200 लोग, ठीक है, और एक है हमारे पास 15 लोग, तो हम किन लोगों से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, 15 लोगों से। लेकिन 200 लोग होंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे अच्छे से बातचीत करके, अच्छे से आई कॉन्टैक्ट मिला सके, ये है। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक होती है, काफ ऑडियंस होती है, यहाँ पे संख्या 200 लोगों तक हो सकती है या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे जो सभी लोग बैठे हुए हैं उनको हम अच्छे से देख सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑडियंस है थोड़ी ज़्यादा होगी, स्मॉल ग्रुप से ज़्यादा यहाँ पे ऑडियंस हमारी होगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन, मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। जब हम एक साथ हजारों लाखों लोगों को कम्युनिकेशन करें तो उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि फीडबैक जो है, फीडबैक ना के बराबर होता है, बहुत लेट फीडबैक हो सकता है या फिर ना के बराबर फीडबैक इसमें हो सकता है। और इसमें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है हमें नहीं पता चलता। जैसे मान के चलिए कि एक रैली हो रही है, रैली के अंदर 10,000 लोग बैठे हुए हैं, 10,000 लोगों के अंदर जो पीछे
आदमी बैठा हुआ है, बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, वो हमें नहीं पता क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, वो हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अच्छे तरीके से हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते बट फीडबैक हम अच्छे नहीं दे सकते इसके अंदर। तो ये है हमारा मॉस कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। तो यही चीज़ इसके अंदर दी हुई है दोस्तों, अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसमें, एक मिनट, पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है भाई, चलो कोई नहीं, कई बार हो जाता है। आ जा भाई आ जा जी। ये चीज़ें आप पढ़ लेना दोस्तों कि मास कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या हो सकता है, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर, देखिए उसके बाद में दोस्तों हमारे पास चैनल के आधार पे हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का हो सकता है। चैनल के आधार पे कम्युनिकेशन हमारा दो तरह का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमने बात की थी, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है शाब्दिक संचार, शब्दों के द्वारा जो संचार किया जाता है उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और शब्दों के द्वारा संचार कैसे कर सकते हैं, एक तो मौखिक संचार कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या शब्दों के द्वारा संचार हो रहा है, तो इसमें वार्तालाप हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन, भाषण, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। और दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए जो हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो भी तो शब्दों के द्वारा ही होता है ना, उसमें शब्द लिखते हैं, किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है हमारा शाब्दिक कम्युनिकेशन होता है, वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक कम्युनिकेशन जी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिखित संचार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए मौखिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। आज भी लिखित संचार को बहुत ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए या कुछ मतलब अप्लीकेशन लिखनी है, तो सर मतलब कुछ रिक्वेस्ट करनी है हमें, कोई साइन करवाना, कुछ भी कर, तो हमें वहाँ पे अप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, वो एविडेंस के लिए ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो आज भी मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। क्यों किया जाता है, भविष्य में इसको साक्ष्य के रूप में, एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस हम इसको रख सकते हैं, लेकिन मौखिक संचार को हम एज ए एविडेंस नहीं रख सकते, तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। यहाँ से अपना एक क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। और उसके बाद में एक और जो चीज़ है आगे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, और एक मिनट रुकिए मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, प्रॉब्लम हो रही, स्क्रॉलिंग को हम एक मिनट, हाँ जी ये हमने कर लिया, मौखिक संचार कर लिया, फिर लिखित संचार हमने कर लिया, लिखित संचार कर लिया, उसके बाद में हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं, एक मिनट यहाँ पे ले गया, देखिए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार किस तरह का हमारा हो सकता है, इसके कई टाइप है हमारे। नंबर एक पे है दोस्तों फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में हमारे खड़े होने का तरीका क्या है, हम किस तरह से फिजिकल अपीयर हो रहे किसी व्यक्ति के सामने, तो वो हमारे बारे में बता देता है, हम एक शब्द ना बोले लेकिन फिर भी वो हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यक्ति काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा है इसमें, और ये देखिए ये नर्वस लग रहा है, इसके दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, तो इसको इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और कौन इसमें कौन नर्वस है, तो फिजिकल अपीयरेंस हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। उसके बाद में दोस्तों हमारा पैरा लैंग्वेज है। पैरा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। पैरा लैंग्वेज के अंदर हम
वाणी पे ध्यान देते हैं। अब देखिए कई बार क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं, जो शांत स्वभाव के व्यक्ति होंगे वो बहुत ही धीरे धीरे प्यार से बोलेंगे, लेकिन जो गुस्से वाले व्यक्ति होंगे वो बड़ी, उनकी आवाज़ बड़ी ही मतलब दमदार होगी, बहुत ऊंची आवाज़ होगी। जब हम वाणी के द्वारा कम्युनिकेशन करें, अब जैसे देखिए किसी को बोलते हैं ओए इधर आ, अब ये क्या हो गया, ये तो धमकाने वाला हो गया। और जब हम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते तो कैसे बोलते हैं, ओए इधर आ, है ना। तो दोनों के बोलने का जो तरीका लहजा है वो अलग है। तो वाणी के द्वारा जब कम्युनिकेशन किया जाए तो उसको हम पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखो ये धीरे से आवाज लगा रही है, सुनो ना, है ना। जी, तो उसके बाद में हमारा बॉडी लैंग्वेज है, काइनेसिस कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ पैरा लैंग्वेज को, इसको हम वोकलिक्स कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। किस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, हमारा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो बॉडी मूवमेंट को हम काइनेसिस कम्युनिकेशन बोलते हैं। हम अपनी बॉडी के द्वारा किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये व्यक्ति चेहरे पे हाथ रखा हुआ है इसने, और इसने देखिए इसने अपने गाल के ऊपर हाथ रखा हुआ, इससे लग रहा कि ये बड़ा टेंशन में है, और यहाँ से लग रहा कि इसको कुछ शोक लगा है, इसको कुछ मतलब हैरानी करने वाली बात इनके सामने आई है। तो यहाँ से बॉडी मूवमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इनके अंदर क्या फीलिंग्स है वो हमें पता चल रही है। फिर पोस्चर, हमारे बैठने का तरीका क्या है, किस पोस्चर में हम बैठे हैं वो भी हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके बाद में गेस्चर, गेस्चर हमारे खड़े होने का तरीका क्या है, किस गेस्चर में हम प्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, गेस्चर और पोस्चर, बॉडी मूवमेंट, ये लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है ये सारी चीज़। उसके बाद में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए कई बार रिश्तेदार अपने घर पे आते हैं तो रिश्तेदार क्या है, हमसे बात कर रहे होते हैं लेकिन हम क्या है, हम फोन में लगे हुए हैं। हाँ मामा जी, हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ क्या मामा जी, क्या क्या बोला आपने। तो क्या है कि ऐसे हमारा जो कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है। अगर हमें किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट है तो आप फोन साइड में छोड़िए, उनसे आंखों में आंखें मिला के बातें कीजिए, और रियली में करके देखना। अब की बार आपके मामा आए ना, तो उनसे आंखों में आंखें मिला के बात करके देखना, मिलाओगे नहीं आप, है ना, ट्राई कर देते हैं वहाँ। जी, तो आई कांटेक्ट, जब हम किसी व्यक्ति से आई कांटेक्ट मिला के बात करते हैं तो अगले व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है, और उसे लगता है भाई ये बंदा रियली में मेरे से बात करने का इच्छुक है। लेकिन जब हम बिना आंखें मिला के, आंखें चुरा के बात करते तो अगले को ऐसा लगता कि ये मेरे से बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल, चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि अगले व्यक्ति का क्या मूड है, तो इसको हम फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगर है, और ये जॉय है, और ये सरप्राइज है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आगे हमारा हैप्टिक्स कम्युनिकेशन है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको टच कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब देखिए दो तरह के टच होते हैं हमारे, एक होता है गुड टच और एक होता है बैड टच। ये हमें हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए, आपके परिवार में कोई बच्चा है तो उसको जरूर बता रहा भाई गुड टच और बैड टच क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत नीयत से किसी बच्ची को छेड़ रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो उसे पता चल जाएगा भाई इसका इरादा क्या है इसके छेड़ने का। जब अपने मम्मी पापा हमारे शरीर को टच करते तो उनका जो स्पर्श करने का इंटेंशन अलग होता है, लेकिन किसी अलग अनजान व्यक्ति का इंटेंशन अलग हो सकता है। उसके टच करने से हमें पता चल जाता है कि इसका इरादा क्या है। जी, तो इसको हम हैप्टिक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा ये है, एक मिनट रुक, उसके बाद में है हमारा प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन, या फिर इसको स्पेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब दो व्यक्ति आपस में बैठे हैं, उनके बीच में स्पेस कितना है, उस स्पेस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये दो, एक लड़का एक लड़की बैठे, बिल्कुल मतलब पैर के पैर मिला के बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये या तो पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यहाँ। और ये देखिए ये थोड़ा दूर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोस्त हो सकते हैं, बट इतने ज़्यादा क्लोज दोस्त नहीं है, ये नॉर्मल वाले दोस्त है, या फिर नॉर्मल इंसान भी ये हो सकते हैं जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो जो स्पेस है, स्पेस हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में।
ये प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन या स्पेस कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास दो तरह की और कम्युनिकेशन है। एक है हमारा इसमें क्रोनमिक्स, क्रोनमिक्स टाइम के बारे में बताता है। और देखिए, जब हम मान के चलिए कोई हमारे पास दोस्त आए और हम जल्दी 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 कोई काम कर रहे हैं और वो बोल रहा है भाई क्या बात हो गई, हम कह रहे हैं भाई एक बार रुक जा, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, बाद में बात करूंगा मैं तेरे, लेकिन हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, तो वहां से हमें क्या पता चलेगा कि ये इसको कोई ना कोई अर्जेंट काम है। और हम उसको बोल रहे हैं मेरे को जल्दी निकलना है, जल्दी निकलना है मेरे को, और मेरे को एमरजेंसी। तो यहाँ से हमें उसके सिचुएशन के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जहाँ पे टाइम टाइम की बात आए, टाइम के जरिए कम्युनिकेशन करे, जल्दी जल्दी कोई काम करे, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा क्रोनमिक्स कम्युनिकेशन। फिर है हमारा ऑल्फैक्टिक्स कम्युनिकेशन। ऑल्फैक्टिक कम्युनिकेशन गंध के जरिए, अगर हमें कोई खुशबू आ रही किसी घर में से, हम गली से गुजर रहे हैं और वहाँ उस घर में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो हमें क्या पता चलेगा भाई यहाँ पे आज कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्राम है ना, कोई शादी वादी है या कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे अच्छी खुशबू आ रही है। अगर यहाँ अगर किसी घर में से बड़ी बदबू आ रही हो, तो हम सोचेंगे भाई कुछ ना गलत हुआ है। तो एक जो गंध है खुशबू है, वो भी कम्युनिकेशन, वो भी हमें बहुत कुछ बताती है जी। तो उसके बाद में हम करते हैं दोस्तों, ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, एक चीज़ और है इसके अंदर, वो और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा कम्युनिकेशन है, एक और कम्युनिकेशन है हमारा, वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का होगा, किसी संस्था के अंदर हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें से भी हमारे क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए। देखिए, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर हमारा अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल, डायगोनल और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हम जल्दी से बात करते हैं, उसके बाद में इनसे रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम टू द पॉइंट बातें करते हैं, यहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं करते और फालतू की बातें नहीं करते, गोसिप नहीं करते। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से यहाँ पे बातचीत कर रहा है, अपने संस्था की बात कर रहा है, उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, काम काम की बातें कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। और उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल और डायगोनल। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी। अभी देखिए, ये कर्मचारी है, कर्मचारियों ने क्या महसूस किया कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, काफ़ी साल हो गए हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो इन्होंने क्या कहा, ये जो बात है अपने जो इनके ऊपर के जो है ये क्लर्क है, मान के चलिए क्लर्क है, क्लर्क को इन्होंने कहा कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, कृपया आप हमारी सैलरी बढ़ाइए और ये बात ऊपर तक पहुंचाइए हमारी सैलरी की। तो अब इसने ये बात क्या है कि ये ऊपर पहुंचाए, ये इनके कंपनी के जो बॉस है इनको ये बात कही कि जो कर्मचारी है वो सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो जब कम्युनिकेशन नीचे से स्टेप बाय स्टेप होते हुए ऊपर जाए तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद में इस बॉस ने बोला भाई यार इनको हर जो फेस्टिवल पे बोनस देते, तो हम दिवाली पे, होली पे, न्यू ईयर पे हम इनको बोनस दे रहे हैं, तो सैलरी बढ़ाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। ये बात इस बॉस ने इसको बोली, इस क्लर्क को बोली, इस क्लर्क ने फिर ये बात नीचे इनको बोली, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो गया हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ऊपर से स्टेप बाय स्टेप होते हुए कम्युनिकेशन नीचे आया, तो ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि यार ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, तो ये सभी कर्मचारी इकट्ठा हो गए और इन्होंने क्या है कि मीटिंग करनी शुरू कर दी, इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ना जितने भी लोग हैं ये मतलब एक पोजीशन के लोग हैं, जब इक्वल पोजीशन के लोग एक दूसरे से बातचीत करें तो उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलेंगे।
यहाँ पे इसमें ये हो सकता है, दो टीचर आपस में बात कर रहे हो, दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हो, दो सफाई कर्मचारी आपस में बात कर रहे हो, यानी कि जहाँ पे उनका स्टेटस एक जैसा हो, जब वो एक दूसरे से बातचीत करे तो उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये देखिए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब आगे आता है हमारा डायगनल कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ कि इनकी भनक इस बॉस को लग गई कि यार वो तो ना आंदोलन करने वाले हैं भाई, अब स्ट्राइक पे जाएंगे सारे के सारे कर्मचारी, और अगर स्ट्राइक पे चले गए तो हमारी कंपनी का काम जो है वो रुक जाएगा। अब इसने सोचा कि यार मैं पहले क्लर्क को बताऊंगा, क्लर्क उनको बताएंगे, वो मेरे को बताएंगे, फिर ये तो यार बहुत दिनों पे बात चली जाएगी, तो ऐसा करता हूँ बीच का जो सिस्टम है ना, ये बीच का सिस्टम हटा ही देता हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट ही बात कर लेता हूँ, जो कर्मचारी कर्मचारियों से सीधा डायरेक्ट बात करता हूँ। तो अभी जो बॉस है ना, बॉस ने क्लर्क को बीच में हटा दिया और डायरेक्ट कर्मचारियों से बात करनी शुरू कर दी। भाई बताओ भाई आपकी समस्या क्या है, भाई चलो कोई नहीं, आपकी अब की बार हम बढ़ा देते हैं, आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने डायरेक्टली इनसे बात करनी शुरू कर दी, बीच का जो सिस्टम है वो बाईपास कर दिया, उसको हटा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डायगनल कम्युनिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल और डायगनल कम्युनिकेशन, ठीक है। और वर्टिकल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें होती है। ये देखिए वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है, वी होता है वर्टिकल में वी, तो इसमें क्या होता है ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन और नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे की सिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक टाइप होता है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को हम चुगली वाला कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, गप्पे वाली गप्पेबाजी वाला कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे की हम बुराई भी कर सकते हैं, एक दूसरे की मजाक भी कर सकते हैं, खिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो तीन दोस्त यहाँ पे एक दूसरे की मतलब कुछ बात शेयर कर रहे हैं और ये लड़की इनकी बातें सुन रही है ना, तो ये चुगली कर रहे हैं, इसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में एक और चीज़ ये होती है, ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, अंगूर लता संचार, इसको हम बोलते हैं। अंगूर का गुच्छा हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है हमारा अंगूर का गुच्छा, ठीक है। ये हो गया फिर, और फिर जैसे ये हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म होगा, इसका कोई पता नहीं। अब गांव के अंदर कई बार अफवाह फैल जाती है किसी लड़के को लेके, लो वो लड़का तो उस लड़की के चक्कर में, उसने तो ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो बात का बतंगड़ बनना, जिसको हम बोलते हैं ना बात का बतंगड़ बनना, तो उसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं जी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के टाइप्स है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जी। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें भाई, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्वर्जिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर इज फ्रॉम एज, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं, हम करके आए थे ना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, उसको हम बोलेंगे जब हम आत्मा और पूर्वजों से बातचीत करने का अनुभव करें जी। तो उसके बाद में हम अगला कम्युनिकेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्विलेटेड विद, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हमारा कैसा होता है, इसको हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, जो व्यक्ति, ये देखिए इंट्रा में क्या गया, ए आ गया, ए कितने नंबर पे होता है, एक नंबर पे, तो इसमें एक ही आदमी होगा। फिर है इंटरपर्सनल, इंटर में क्या गया, ई आ गया, ई में कितने कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग हो सकते हैं। फिर है ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर हम मास कम्युनिकेशन, जो हमारी संस्था है, संस्था में क्या है, सीमित लोग होते हैं, 20 30 50 लोग होते हैं, कोई मीटिंग होती है। मीटिंग ये तो है नहीं कि 10,000 लोग आगे एक साथ बैठ जाओगे अब मीटिंग करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जब हम मीटिंग लेते हैं तो सीमित संख्या में लोग होते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरह से आपको देखना दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद में जैसे हम देखें, ये देखिए ये आ गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड।
फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। ये बताओ भाई, लचीला, लचीले का मतलब क्या होता है? लचीला जिसमें हंसी मजाक भी हो गया, जिसमें मतलब किसी की खिंचाई भी हो गई, कुछ भी कह दिया उसके अंदर, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होगा? उसमें हम सिस्टमेटिक वे में कम्युनिकेशन करें, एक मर्यादा में रह के कम्युनिकेशन करें, और जो हमारे टू द पॉइंट हम कम्युनिकेशन करें, जो काम की बातें वही इसमें करेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। आर कनेक्ट करेक्ट कैसे है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? सिस्टम से किया जाता है इसमें, और फालतू चीजें इसमें नहीं हो, तो ये इसका राइट आंसर। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए, द टर्म ग्रेप वाइन इज आल्सो नोन एज। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? चुगली वाले कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? अफवाह जहाँ पे फैलती है, बात का बतंगड़ जहाँ पे बनता है, उसको क्या बोलेंगे हम? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल और इनफॉर्मल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं भाई, काफ़ी क्वेश्चन है हमारे। ये देखिए, एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसाइडर्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे एटीट्यूड की बात हो, जहाँ पे एक्शंस की बात हो, अपीयरेंस की बात हो, वहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन होगा हमारा? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है? शाब्दिक संचार बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इसका राइट आंसर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं भाई। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन यू आर वर्किंग इन ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर पीपल्स आर ऑफ इक्वल स्टेटस। ये देखो, इक्वल स्टेटस, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच ए कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे इक्वल लेवल के लोग हो, इक्वल स्टेटस के लोग हो, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? मैंने बताया था ना आपको, वहाँ पे क्या होगा हमारा? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? हॉरिजेंटल। और वर्टिकल किसको बोलते हैं? वर्टिकल मैंने बताया था, वर्टिकल में भी आता है, तो इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये हो गया हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल में ये होता है, दो दो इक्वल लेवल के हैं ये लोग, और इनमें कम्युनिकेशन हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। आगे है हमारा, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिगर आउट कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है वो हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिस और पर्सनल स्पेस। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन है भाई करने को, सभी क्वेश्चन एक क्लास में कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? पैरा लैंग्वेज में बताया था ना मैंने, जहाँ पे वाणी, वाणी के जरिए जब हम कम्युनिकेशन करें, वाणी के उतार चढ़ाव से जब हम कम्युनिकेशन करें, तो उसको हम पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है। सी में क्या है? ए डी ई। इसमें ए डी ई, देखिए पिच ऑफ द वॉइस, ध्वनि का उतार चढ़ाव, ये आ गया ना, ध्वनि का उतार चढ़ाव। ठीक है, यूज ऑफ पॉजेस, विराम का प्रयोग करना। अब जैसे बोलते समय कहाँ पे हम रुक रहे हैं, कहाँ पे हम तेज बोल रहे हैं, कहाँ पे हम स्लो बोल रहे हैं, ये हो गया। फिर है रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, वाणी की दर और प्रबलता, कितना ऊंचा हम बोल रहे हैं, कितना चीख के हम बोल रहे हैं, अगर चीख के बोलेंगे तो क्या होगा, पता चल जाए ये व्यक्ति बहुत गुस्से में है, कुछ भी कर देगा। तो यहाँ से हमारा पता चलेगा कि ये पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो इस तरह से दोस्तों बहुत क्वेश्चन इसमें है भाई, ये सभी क्वेश्चन एक क्लास में कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप ये सभी क्वेश्चन करना चाहें तो दोस्तों आप हमारी ये PDF ले सकते हैं, स्टडी नोट्स और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप निमिज नेट पे, और आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट में हमारा कोर्स है। ये देखिए पैरा लैंग्वेज का फिर आ गया हमारा, पैरा लैंग्वेज में किस पे ध्यान दिया जाता है? वॉइस, इम्फेसिस एंड इम्प्रेशन, स्वर बल और प्रभाव पे ध्यान दिया। और हम देखते हैं, देखें आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज इन डिस्क्राइबिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है?
काइनेसिस कंपनी के। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखिए हैप्टिक्स भी किया था ना, हैप्टिक कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन इसका आंसर देगा, हैप्टिक कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है जी। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमारे 2023 एग्जाम में आए हैं। देखिए ये आ गया हमारा, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन से टाइप्स है वो हमें बताना है। ऑप्शन थ्री, दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोज है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई है। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, आईसीटी के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।